हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज होगा 1 जून, क्योंकि यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ से हम पढ़ते हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे SSC, UPSC, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो या आपका PSC, आपके यहाँ से करंट अफेयर्स क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ से डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए और अपने एग्ज़ाम में फोकस करिए, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम हैं आपका सामने में। आपके पास MTS दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम है सामने में, मन लगा कर पढ़िए और सिलेक्ट होइए 2021 के, जो कि देख चुके हैं IAS बन चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। इनमें 3 बेटियों ने इसमें हाथ मारा है। तो आज से दृढ़ संकल्प लीजिए और अपने फोकस पे मेहनत करिए कि इस साल हमको सिलेक्ट होना है, मतलब होना है गवर्नमेंट जॉब लेना है, मतलब लेना है सकत। तो चलिए आज करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट यहाँ पे कवर करते हैं क्वेश्चन। तो 1 जून का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो 29 मई, 31 मई, 30 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया गया है। तो हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाए। तो याद रखिए, 31 मई को हर साल तंबाकू निषेध दिवस के रूप में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हाल ही में 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है? इसका ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो बांग्लादेश को, जो कि 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, जो कि फोकस कंट्री के रूप में इनको चुना गया है, बांग्लादेश के रूप में इनको, बांग्लादेश को फोकस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पद्मानंद झा का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो लेखक, पत्रकार, गायक, इनमें से कोई नहीं। तो पद्मानंद झा, जिनका हाल ही का निधन हुए है, वो प्रमुख व्यक्ति थे जो कि पेशे से पत्रकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो याद रखिएगा, पद्मानंद झा पत्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने IUF लॉन्च किया है? तो गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक, और इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो कि IUF लॉन्च किया है। तो कर्नाटक राज्य ने IUF लॉन्च किया है, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज मोहन, मुंबई वहाँ के CM हैं, वहाँ की कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और थावरचंद गहलोत वहाँ के गवर्नर हैं, तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है? तो RJ रौनक, आजुमर्श निसार, RJ हिना, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है RJ उमर निसार को, जो कि यूनिसेफ द्वारा इनको प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं कि ऐसा पूछेगा कि यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षा चैंपियनशिप पुरस्कार किसको मिला है? तो याद रखिएगा, RJ उमर निसार को यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षा चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने बीमा रत्न नामक एक बचत बीमा योजना शुरू की? तो LIC, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में LIC ने बीमा रत्न नामक एक बचत बीमा योजना शुरू की है। तो यह बीमा बचत योजना है जो कि LIC द्वारा यह लाया गया है। तो यह LIC शुरू किया है LIC द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परम अनंत सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पे IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT गांधीनगर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, IIT गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। तो हाल ही में यह परम अनंत सुपर कंप्यूटर की शुरुआत आपके हुई है, जो कि यह IIT गांधीनगर द्वारा किया गया है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का निधन हुआ है? तो सूडान, अल्बानिया, मोरक्को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सो जाएगा, अल्बानिया के, जो कि पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी, जिनके हाल ही में निधन हो गया है, जो कि अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई? तो योग फॉर ह्यूमैनिटी, योग फॉर हेल्थ, योग फॉर नेचर, वो से कोई नहीं। तो योग फॉर ह्यूमैनिटी, जो कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम रखा गया है, योग फॉर ह्यूमैनिटी, तो याद रखिएगा, क्योंकि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम पूछा जाएगा, तो योग फॉर ह्यूमैनिटी जो कि घोषित की गई है इस साल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
हाल ही में एनआरसीएल ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया गया? तो वंदिता शर्मा, नटराजन सुंदर, संगीता सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नटराजन सुंदर, जो कि एनआरसीएल ने अपना सीईओ नियुक्त किया गया। बात करते हैं एनआरसीएल का, तो इसका फुल फॉर्म आता है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो कि एक बैंक कंपनी है, जिसके सीईओ बनाए हैं नटराजन सुंदर को, इसका सीईओ बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया? तो महाराष्ट्र, हरियाणा, असम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, असम राज्य सरकार ने जो कि खेल के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, असम, जो कि इसका सही ऑप्शन है, जो कि खेल के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1,000 रुपये जो कि खर्च करेगा असम। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष, संजीत नार्वेकर, प्रदीप कुमार मोहंती, इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संजीत नार्वेकर, जिनको हाल ही में डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, संजीत नार्वेकर को। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहाँ के फोर्ड इंडिया प्लांट को खरीदने के लिए समझौता किया? तो हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में टाटा मोटर्स ने गुजरात के फोर्ड इंडिया प्लांट को खरीदने के लिए समझौता किया है। तो याद रखिएगा, गुजरात, जो कि टाटा मोटर्स, जो कि गुजरात के फोर्ड इंडिया प्लांट को यहाँ खरीदने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICG के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राजनाथ सिंह ने ICG के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है, आपके राजनाथ सिंह ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की खेप भेजी है? तो यूक्रेन, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीलंका, जो कि भारत ने 40,000 मीट्रिक टन डीजल खेप भेजी है श्रीलंका को। बात करते हैं श्रीलंका की, तो वहाँ की राजधानी है कोलंबो, जो कि उनके वहाँ के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और वहाँ के प्रधानमंत्री जो कि नए नियुक्त किए हैं रानिल विक्रम सिंधे, वहाँ के नए प्रधानमंत्री है। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि भारत ने 40 मीट्रिक टन डीजल श्रीलंका में भेजी गई है। तो आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, और डेली बेस पर करंट अफेयर्स पढ़िए। थैंक यू।